बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 80,000, तो लैपटॉप रिकमेंड कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको सीपीयू के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप 80,000 बजट लेकर जा रहे हो तो भाई आपने यू सीरीज़ के सीपीयू की और बिल्कुल भी नहीं जाना, पी सीरीज़ के जो सीपीयू आते हैं उनकी और भी आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपने बाय करने हैं तो भाई आपने एच सीरीज़ के जो सीपीयू आते हैं वो बाय करने हैं, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एंड मैं आपको बता दूं कि आपने 11th जनरेशन जो सीपीयू आते हैं उनकी और बिल्कुल भी नहीं जाना। मिनिमम आपको 12th जनरेशन बाय करना ही करना है 80,000 के प्राइस रेंज में। एंड जो लैपटॉप मैं आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूँ, ये गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, क्रिएटर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, हैवी टास्किंग करनी है, मल्टी टास्किंग करनी है, हैवी कोडिंग करना चाहते हो, तो ये लैपटॉप आप सभी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहना, 3 लैपटॉप बताऊंगा। तो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर मैंने रखा है इस नीट्रो 5 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, अगर आपको थर्मल वगैरह अच्छे चाहिए, गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, इस लैपटॉप को चेकआउट जरूर करना। अपने प्राइस रेंज में सेट बैठता है। 74,990 रुपीज के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल है। 50.6 इंच के साथ आपको फुल एच डी डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है। 16GB रैम है। RTX सीरीज का GPU देखने को मिलेगा। 4GB 1315 512GB आपको SSD मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 2.5 kg इसका वेट है। RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा। अगर मैं CPU की बात करूं, i5 इसमें 12500H देखने को मिल जाता है। पावरफुल CPU होने वाला है, हर एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। एंड इस लैपटॉप के थर्मल वगैरह बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको गेमिंग के लिए ही लैपटॉप चाहिए, इस लैपटॉप को चेक जरूर करना। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर मैंने रखा है डेल गेमिंग G15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लैपटॉप किन लोगों को बाय करना चाहिए। तो यार, अगर तो आप ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करते हो, आपको इस लैपटॉप को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसी लैपटॉप को लेना, ठीक है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको डिज़ाइन, लुक, कलर वगैरह मैटर करते हैं, तब भी आप इस लैपटॉप को चेकआउट ज़रूर करना, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसका लुक। एंड डेल एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके जो सर्विस सेंटर है ना, अपने इंडिया में हर सिटी स्टेट में मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वगैरह इस लैपटॉप में नहीं आने वाली। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, 74,490 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अमेजोन पे ये लैपटॉप अवेलेबल है। 15.6 इंच के साथ आपको फुल एचडी मिलेगी, 120 रिफ्रेश रेट के साथ, 250 nits ब्राइटनेस के साथ ये लैपटॉप की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में कमी कोई नहीं है। 16GB रैम है, 512GB SSD मिलेगी। RTX सीरीज का GPU देखने को मिलेगा, 1315 4GB। AMD Ryzen 5 इसमें CPU देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट प्रोसेसर है AMD की ओर से, 6600H, जो कि सच में पावरफुल है। गेमिंग करवा देगा, वीडियो एडिटिंग करवा देगा, एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर, ऑटो कैड यूज़ करना है, एनिमेशन करनी है, फोटोशॉप यूज़ करना है, हर एक चीज़ आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने आपको क्यों कहा था कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आप इस लैपटॉप को चेकआउट जरूर करना, बिकॉज इसमें जो रैम मिलती है ना, वो आपको DDR5 रैम देखने को मिलती है। जितने भी लैपटॉप बता रहा हूं, सभी में आपको DDR4 रैम मिलती है, लेकिन इसमें 5 मिलती है। तो जो परफॉर्मेंस है ना DDR5 रैम की, ज़्यादा मच बेटर होती है यार DDR4 से। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख लेना जब भी आप लैपटॉप को बाय करोगे। रिपीट कर देता हूं, अगर आपको लुक, डिज़ाइन, कलर वगैरह मैटर करते हैं, तब भी आपने इसी लैपटॉप की ओर जाना है। अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र जल्दी करना है, जहाँ अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, डेल गेमिंग G15 की ओर ही आपने जाना है। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर जो मैंने लैपटॉप रखा है, वो CPU के लिए बेस्ट होने वाला है। मैंने रखा है HP Victus Gaming को। ये i7 12th जनरेशन के साथ CPU देखने को मिलेगा, 12650H, जो कि सच में बहुत अच्छा है यार। इसका प्राइस अपने प्राइस रेंज से ऊपर चले जाता है, 84,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में। अभी ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस अमेजोन पे फिक्स नहीं होता। ये लैपटॉप ना आपको 81,000 या 82,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स मिल जाता है। 15.6 इंच के साथ आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD है, RTX 3015 4GB GPU देखने को मिलेगा, 144 रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, MS ऑफिस भी मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, अलेक्सा बिल्ट इन देखने को मिलेगा, प्लस पॉइंट एक्सबॉक्स पास भी इस लैपटॉप में मिल जाता है। तो ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा होने वाला है। एंड इसमें ना आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, Wi-Fi 6E की सपोर्ट मिलेगी, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आने वाली, CPU सबसे ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। 10 Core and 16 Thread के साथ ये CPU मिलेगा। तो गेमिंग करना चाहते हो, Assassin's Creed खेलनी है, GTA 5 खेलना चाहते हो, BGMI खेलनी है, कर सकते हो। एडिटिंग करनी है, अगर आपको डिवेंसी रिजॉल्व चलाना है, जहाँ अगर आपको प्रीमियर प्रो पे काम करना है, ल्यूमो फ्यूजन पे काम करना चाहते हो, या फिर अगर आपको
फोटोशॉप यूज़ करना है या कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, हर एक चीज़ आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। यार ये थे लैपटॉप जो कि गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तीनों लैपटॉप के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। एक बार मैं आपको कंक्लूजन फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए कम प्राइस रेंज में, तो भाई आप इस नीट्रो 5 की ओर ही जाना, बिकॉज ये गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करवा देगा। इस लैपटॉप की खासियत ये है कि भाई इसके थर्मल वगैरह बहुत अच्छे हैं, जितने भी रिव्यू मैंने आज तक पढ़े हैं भी पॉजिटिव ही इस लैपटॉप के देखने को मिलते हैं। एंड नंबर 2 की बात करते हैं, अगर आपको डिज़ाइन लुक वगैरह मैटर करती है, जब परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो डेल गेमिंग G15 को एक बार चेकआउट ज़रूर करना, सर्विस सेंटर की दिक्कत नहीं आएगी। डेल एक ट्रस्टेड ब्रांड है, अपने इंडिया में बहुत बिकता है। एंड नंबर 1 पर अगर आपको CPU बेस्ट चाहिए, पावरफुल CPU चाहिए, तो HP विक्टर्स गेमिंग को एक बार चेक जरूर करना। हाँ ये अपने प्राइस रेंज से ऊपर चले जाता है, लेकिन अगर आप 80,000 से 1-2,000 ऊपर पे कर सकते हो, तो आपको अच्छा CPU भी तो मिल ही रहा है ना यार। 4 से 5 साल जो है ना, इस लैपटॉप को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कोई भी अगर आपने हैवी टास्किंग करनी है, तो ये लैपटॉप ईजिली हैंडल कर लेगा। तो यार ये थे लैपटॉप 3 जो कि गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।